नमस्कार, पासबानी अदब के अनुभूति प्रोग्राम से मैं गार्गी गौतम और आज हमारे साथ में है जाने माने कॉमेडियन सुनील पाल। तो सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पासबानी अदब के तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, गार्गी जी आपको और हमारे दानिश भाई को, तमाम ग्रुप को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया और आदाब। ऑल द बेस्ट एंड बहुत सारा प्यार। शुक्रिया सर। आज की बात हम आपकी एक बात से करना चाहेंगे। एक आपका जोक पढ़ा था मैंने कुछ दिन पहले कि उसमें पत्रकार कहता है कि सर आपका आपसे मैं एक कुछ अनोखे और यूनिक से सवाल पूछूंगा, लेकिन बातों की शुरुआत यहीं से होती है कि सर आपका आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो जाहिर सी बात है हम भी वो प्रश्न पूछना चाहेंगे। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सभी पत्रकार ये दावा करते हैं कि आज का इंटरव्यू थोड़ा हटके होगा, थोड़ा यूनिक होगा, थोड़ा नया होगा। तो हमें लगता है यार कुछ नए सवाल करेगा, कुछ अलग सवाल करेगा। सबसे पहले शुरुआत ये करता है, तो बताइए सर शुरुआत कहाँ से हुई आपकी। देखिए गार्गी जी, मेरी जो शुरुआत है, मेरा जो जन्म हुआ है वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे हुआ है, जो अभी तेलंगाना है। महाराष्ट्र में जन्म हुआ मेरा, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में 1975 में, और उसके बाद वहां से आंध्र शुरू हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि दोनों प्रांतों का असर मुझ पर है। मैं देखने में साउथ का भी लगता हूँ और अंदर से महाराष्ट्रियन भी हूँ। और उस साल भारत की सबसे बड़ी फिल्म शोले रिलीज हुई थी, तो ये समझ लीजिए कि धरती पर दो चीजें रिलीज हुई थी, सुनील पाल एंड फिल्म शोले। और बचपन से ही मुझे जी एक्टिंग का, डांस का, गाने का शौक था। तो छोटे से गाँव मुरसा से हम लोग बलार में आए, फिल्में देखता था, फिल्में देखने का शौक था। तो एक डांस कॉम्पिटिशन में भाग लिया जब मैं 9-10 साल का था, और उसमें उस डांस कॉम्पिटिशन में मैंने जितेंद्र जी की फिल्म हिम्मत वाला का गाना, लड़की नहीं है तू लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है, इस गाने के ऊपर डांस किया। मैं जीतू जी बना था और मुझे पहला इनाम इसलिए मिला क्योंकि बाकी के जो डांसर थे वो बहुत ही बुरे थे, तो मुझे पहला इनाम इसलिए मिला क्योंकि मैं थोड़ा सा अच्छा था। तो मुझे कटोरा मिला, तो ये जो चटोरा है इसका पहला इनाम कटोरा है, जिससे इसने दुनिया का प्यार बटोरा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जो कटोरा पहला आपका इनाम मिला था, तो ये मतलब स्कूल टाइम पे मिला था आपको? जी जी जी, स्कूल बिल्कुल बहुत छोटा था मैं, मतलब 10 साल का, तो 10 दूसरी तीसरी में रहा होगा। आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि कहा जाता है कि हंसी सेहत के लिए सबसे फायदेमंद चीजों में से एक होती जी है। जी 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 जी, कॉमेडी को हर टाइप के लोगों ने अलग अलग सोच रखा है। किसी के लिए कॉमेडी मेडिसिन का काम करती है, किसी के लिए कॉमेडी दुआ का काम करती है। कहते हैं ना कि किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, और किसी के दिल को दुखाना इससे बुरी आदत नहीं। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, डॉक्टर भी कहते हैं लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन, मैं कहता हूँ कि कॉमेडी दुनिया में बहुत मुश्किल भी है, बहुत जरूरी भी है, इबादत की जगह है जबकि ये दवा की जगह है, जबकि ये मेरे ख्याल से इससे अच्छा कोई काम नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, कहीं आपको नहीं लगता ये कि दुनिया को एंटरटेनमेंट करने वाला फिल्म जगत भी इस लॉकडाउन से पूरी तरह से टूट चुका है? बिल्कुल सही बात, पूरी दुनिया और फिल्मी दुनिया, दोनों ही दुनिया जो है इसमें एक दर्द से गुजर रही है, एक दुख से गुजर रही है। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, एक कॉमेडियन होने के नाते, कि भगवान ईश्वर इस सारे पेंडामिन्स, इस सारे दुख, इस सारे दर्द, इसकी कोई दवा बनाए या इसके लिए कोई दुआ बनाए, इसे खत्म करे, इसके लिए ऐसा कुछ करे कि ये सारी तकलीफ जो है दुनिया से कूच करे। जी हाँ,
अब मैं इस गंभीरता से थोड़ा निकलना चाहूंगी और ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे जिस सुनील पाल को लोग भारत के गिने चुने कॉमेडियंस में से एक मानते हैं, क्या वो सुनील पाल अपनी कॉमेडी से पूरी तरह से संतुष्ट है या अंदर अभी भी कुछ ऐसा बाकी है जो बाहर आना चाहता है? बहुत कुछ बाकी। मैं तो अपने आप को जीरो समझता हूँ, जीरो माइनस समझता हूँ। परमात्मा से ये दुआ करता हूँ, गुरुओं से ये दुआ करता हूँ, पूरी दुनिया से ये दुआ करता हूँ कि भगवान मालिक हमको और ऐसी शक्ति दे, और ऐसा कुछ पावर दे, ऐसी हमें शिक्षा दे, ऐसी हमें बातें दे कि जिससे और अच्छी बातें करके मैं जनता तक पहुंच सकूं, अच्छी बातें कर सकूं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबको मुस्कुरा सकूं। और खासकर लखनऊ के मामले में तो मैं कहूंगा कि लखनऊ मेरा इसलिए भी फेवरेट है क्योंकि लखनऊ का टैगलाइन है, मुस्कुराई आप लखनऊ में है। जी जरूर सर। रतन नूरा का जो कैरेक्टर है वो आपके दिमाग में क्या सोच के आया था? मैं बॉम्बे आया था 1995 में, बॉम्बे आया था तो मैं एक चाय की दुकान पे नौकरी करता था और वहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर आते थे चाय पीने के लिए, तो सब के सब जो ग्राहक थे, जितने भी ग्राहक थे, वो जिस तरह से मुझसे बात करते थे, मुझे लगा कि यार ये मेरे गुरु साबित हो सकते हैं क्योंकि सबका स्टाइल था, सबका कैरेक्टर था, तो सबसे मैं सीखता था। और वहीं बाजू में जंबो होटल था सांता क्रूज़ वेस्ट में, वहां रतन नूरा से मेरी मुलाकात हुई और जब उनका स्टाइल दिखा मैंने, हमारा नाम है रतन नूरा और काम करूंगा खत्म पूरा, हमरे बिना हम हूँ अधूरा और हमारे लिए पूरी दुनिया है काशी मथुरा, मुझे लगा कि यार ये कैरेक्टर जो है इससे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। और स्ट्रगल के टाइम में वो मुझे मिला, लेकिन चूंकि टीबी का मरीज था, देहांत हो गया उनका, भगवान के पास गया होगा, भगवान से बोला होगा कि यार मुझे तो कुछ दिया नहीं भगवान, तुमने इसको दे देना, ये जो नीचे बनता स्ट्रगल कर रहा है सुनील पाल नाम है इसका, तो भगवान ने कहा तथास्तु ये अब तेरे नाम से जाना जाएगा। तो आज मुझे रतन नूरा कम, सुनील पाल कम और रतन नूरा ज्यादा समझते हैं। और वो भगवान ने बोला होगा और उसको क्या दोगे, बोले कोई बात नहीं, जो टीवी वाला बनाया था मैंने इसको टीवी वाला बनाऊंगा। और आज टीवी से मुझे लोग जानते हैं, आज मुझे इतना प्यार मिला कि पासवान अदब इस कार्यक्रम में, इतने बड़े अदब वाले कार्यक्रम में दानिश भाई और तमाम दोस्तों की तरफ से मुझे यहाँ बुलाया गया है। इस बात के लिए मैं गार्गी आपका, दानिश भाई का, उनके पूरे ग्रुप का, उनके प्रेसिडेंट का एंड हमारे इमरोज भाई का बहुत शुक्रगुजार। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहेंगे आगे जी, कि आज जिस तरह दुनिया इस महामारी से जूझ रही है, ऐसे में एक कॉमेडियन के लिए अपनी कॉमेडी को बचा कर रख पाना कितना मुश्किल है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत मुश्किल है क्योंकि क्या होता है ना कि पीपल लाइक अस, जो हम लोग कॉमेडी को, कॉमेडी या कला को एक देव माँ सरस्वती का वरदान समझते हैं, स्टेज को भगवान समझते हैं, कला काम को पूजा समझते हैं और कार्य क्षेत्र को मंदिर समझते हैं, दर्शकों को माए बाप और जनता जनार्दन समझते हैं, ऐसी जगह पे हमारी नीयत जो होती है वो हमेशा ऐसी होती है कि एक बहुत ही साफ सुथरा और शालीन काम लोगों तक पहुँचे जिससे मनोरंजन भी हो और लोगों की सेहत भी ठीक हो और अच्छा लगे। लोग हंसते इसलिए हमारा, आप लोग हंसते इसलिए हमारे घर बसते। सर हंसाना सबसे बड़ा काम है, किसी को कोई रोता हुआ है वो उसको मतलब अगर आप हंसा दीजिए तो वो सबसे बड़ा काम होता है। बिल्कुल, कहा है ना किसी ने कि घर से मस्जिद है, तू शायद निदा फाजी साहब ने कहा था कि घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। सर मुंबई से जो हमारे पुलिस आईजी कैसर खालिद साहब हैं, क्या आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? पासवान अदब की जानिब से कैसर खालिद साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। इन दिनों जो कोरोना वॉरियर, जो हमारे रियल कोरोना वॉरियर, रियल हीरो है रहे हैं वो डॉक्टर और पुलिस ही रहे हैं। तो पुलिस ने 24/7 अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो हमारी जाने बचाई है, उनके लिए बस यही कहना चाहूंगा पुलिस को सलाम है, सलाम है, सलाम है, क्योंकि ये पुलिस वाले जो है वो उनको मैं अलग से इसलिए भी प्यार करता हूँ क्योंकि मैं भी पुलिस वाला हूँ, एसपी हूँ, एसपी मतलब सुनील पाल। तो सर अपनी कोई परफॉर्मेंस देना चाहेंगे आप?
बस मैं आपको देख के 3-4 शेर बोल देता हूँ जी। ये जुल्फे हैं तुम्हारी या रेशम का जाल, ये जुल्फे हैं तुम्हारी या रेशम का जाल, जिसमें जू बन के फंसा हुआ है सुनील पाल। बहुत अच्छे सर। और मैंने तुझे खरीद के दिया 2 BHK, मैंने तुझे खरीद के दिया 2 BHK, उसे भी कमबख्त खा गई 2 BHK। और इमरोज आलम के लिए एक शेर सुना देता हूँ कि ए इमरोज, जहां तुझे कांटे मिले वहां मैं फूल हो जाऊंगा। ए इमरोज, जहां तुझे कांटे मिले वहां मैं फूल हो जाऊंगा, और जहां जहां तुझे चांटे मिले वहां मैं गुल हो जाऊंगा। बाकी तो मैं ये क्यों ना कहूंगा कि हर शख्स अपने गम में खोया है, हर शख्स अपने गम में खोया है, और जिसे गम नहीं वो कब्र में सोया है।